बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को सच कर दिया है उकरित गांव के किसानों ने। उन्होंने क्या किया है हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा जिले के मछली पालकों के लिए रेयरिंग तालाब निर्माण योजना। कृषि मंत्री ने की लैम्स की सदस्यता वृद्धि अभियान की शुरुआत। मड़ुआ के बेहतर उत्पादन के लिए लगाई उन्नत प्रभेद A404। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रेयरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने की योग्यता कुछ इस प्रकार है। आवेदक पहले से मछली पालन कार्य से जुड़े हों, जिस जमीन पर तालाब निर्माण का प्रस्ताव हो वो भूखंड पहले से बैंक में किसी कर्ज के एवज में बंधक नहीं हो। साथ ही 100 डिसमिल जल क्षेत्र वाले तालाब के लिए 130 डिसमिल जमीन होना अनिवार्य है। इस योजना से लाभ लेने के लिए 30 जुलाई तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री ने नामकुम लैम्प्स परिसर से सदस्यता वृद्धि अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नामकुम लैम्प्स के नए सदस्यों को सदस्यता रसीद प्रदान की, साथ ही 40 किसानों के बीच लघु वन उपज विदोहन कीट का वितरण किया। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान लैम्प्स और पैक्स से जरूर जुड़ें एवं कृषि योजनाओं का लाभ लें। पशुपालक भाइयों, बरसात के मौसम में पशुओं को खाने के लिए स्वच्छ और ताजा आहार दें। इस मौसम में नमी के कारण मिश्र दाना में फफूंद लगने का खतरा रहता है। ऐसे संक्रमित आहार से गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी या सूकर बीमार हो सकते हैं। मिश्रित दाना में नमी ना होने दें। बरसात के मौसम में खाना अगर खराब हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं गाय पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं या सूकर पालन करते हैं या मुर्गी पालन करते हैं, तो वो दाने को अपने स्टोर करके रखते हैं। तो बरसात के मौसम में जब वातावरण आर्द्र वातावरण हो जाता है या जहाँ आपने स्टोर किया वहाँ पानी का रिसाव है, तो वहाँ पे जो अनाज है उसमें देखा जाता है फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ख़ास करके जो दाने का मिश्रण होता है उसमें बादाम की खल्ली या सरसों की खल्ली भी होती है, और उसमें जो है कि ये जो फंगस होने का जो संभावना है उसमें ज़्यादा होता है। तो हमारे किसान भाई से ये कहना है कि जो भी आप दाना मिश्रण देते हैं अपने पशु को, वो बिल्कुल फ्रेश देना चाहिए। आप पुराना या फिर देखा जाता है कि जब बरसात का पानी या नमी अगर दाने में आ जाता है तो ढेला ढेला हो जाता है, बिल्कुल गोल गोल जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है वो, और उस तरह का दाना को आप पशुओं को खिलाने के लिए नहीं दें। किसान भाइयों, मड़ुआ का बिचड़ा तैयार करने के लिए जल्द से जल्द बीज थली में यानी नर्सरी में बीज गिरा दें। ध्यान रहे, मड़ुआ की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 8 से 10 किलोग्राम बीज की बुआई करना अनुशंसित है। मड़ुआ के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद A404 लगाएं। मड़ुआ का उन्नत प्रभेद A404 अगाध और मध्य खेती दोनों के लिए उपयुक्त है। ये 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता औसतन 26 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। चूंकि मड़ुआ की खेती ऊपरी जमीन में की जाती है, इसलिए जल निकास का उत्तम प्रबंध करें। साथ ही बुआई के 15 दिन बाद और 25 से 30 दिन बाद दो निकाई गुड़ाई जरूर करें। राज्य के किसान ऊपरी जमीन में सब्जी, दलहन या किसी और फसल की खेती में निकौनी का काम करने के लिए कृषि उपकरण व्हील हो की मदद ले सकते हैं। व्हील हो की कार्य क्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहू, सफेद मक्खी और पत्रभक्षी कीटों की रोकथाम कैसे करें। भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना माहू, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए नीम निर्मित कीटनाशी दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। ये छिड़काव 2 से 3 बार करें, इन कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौहार।